हनुमानगढ़ जिले में भारतीय डाक जीवन बीमा की योजनाएं लोगों को बचत के साथ ही आर्थिक संबल भी प्रदान कर रही हैं। इन योजनाओं के तहत जहां आम आदमी डाक विभाग में बचत की तरफ अग्रसर हुआ है, तो वहीं बीमा धारकों को जीवन सुरक्षा भी मिली है। सहायक अधीक्षक राकेश धींगड़ा ने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य बचत के साथ आर्थिक संबल देना है। डाक विभाग की तरफ से जो PLI है, इसमें 10 साल पहले अपना खाता खुलवाया था और एक मिताजी एजेंट थे इसके, उन्होंने मेरे को इसके बारे में फायदे से बताए। फिर मैच्योरिटी अब 10 साल बाद हुई है और मेरे को उस पैसे का चेक है इन्होंने हाथों दिया। PLI है, उसमें बड़ी अमाउंट की PLI करवाने की योजना है ताकि बच्चों का भविष्य सिक्योर रखा जा सके और आज के इस आर्थिक युग में एक बड़ी अमाउंट है एजुकेशन पर्पज से जो चाहिए वो एक मुश्त इकट्ठी भी हो सके। डाक जीवन बीमा भारतीय डाक विभाग की ओर से प्रारंभ की गई एक बहुत ही अच्छी योजना है। यह 1 फरवरी 1884 को शुरू की गई थी। इसमें सरकारी कर्मचारियों, अर्ध सरकारी कर्मचारियों, भारत सरकार के, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अंडरटेकिंग कर्मचारियों और निजी बैंकों के कर्मचारियों की ये की जाती है। इसमें मिनिमम आयु 19 वर्ष और अधिकतम 55 है और इसमें मिनिमम वैल्यू इसकी 10,000 रुपये से 50 लाख रुपये तक ये की जा सकती है। भारतीय डाक जीवन बीमा का हम नई पॉलिसी है, पिछले वित्तीय वर्ष में 22,56,00,000 के करीबन हम नई पॉलिसी जारी कर चुके हैं। इसके अलावा हमने परिपक्वता भुगतान जो मेच्योरिटी क्लेम है वो 5,18,00,000 के करीबन हमने जो परिपक्वता भुगतान किया है और मृत्यु दावा प्रकरण है वो हम 16,18,000 के करीबन कर चुके हैं और COVID-19 के बाद भी हम 2,63,00,000 के करीबन नई पॉलिसियां जारी कर चुके हैं। योजना के तहत जहां ज़रूरतमंद परिवारों ने अपने बजट के माध्यम से जुड़कर आर्थिक लाभ लिया है, वहीं उन्हें इस योजना से जुड़ने के बाद आर्थिक संबल भी मिला है। ग्रामीण मीडिया, DD न्यूज़, हनुमानगढ़।